Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको गाइस अपडेट किया कि गाइस जो हमारे सबके फेवरेट जेफ हार्डी गाइस WWE ने उनको रिलीज कर दिया था लास्ट वीक ही। और गाइस आपको रीजन भी बोला कि क्यों गाइस WWE ने जेफ हार्डी को कंपनी से रिलीज किया। और गाइस आप में से भी बहुत लोगों को क्वेश्चन हो गए कि क्या थे जेफ हार्डी के प्लान्स उनको रिलीज करने के पहले। सो जैसे बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आई है कि गाइस WWE के पास गाइस जेफ हार्डी के लिए बहुत ही बड़े प्लान्स थे, क्योंकि गाइस WWE उनका और हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का फ्यूड प्लान कर रही थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर WWE और जेफ हार्डी के बड़े वाले फैन हो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। गाइज हमको एक बहुत ही बड़े सोर्स से अपडेट मिला है कि गाइज जो WWE गाइज वो हमको WWE के जो सऊदी अरब का नेक्स्ट शो फेब्रुवरी में होने वाला है, जो कि WWE सुपर शो होने वाला है गाइज, WWE वहां पे गाइज जेफ हार्डी वर्सेस रोमन रेंस का मैच प्लान कर रही थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और गाइज बात यहाँ पे नहीं गाइज, जो रोमन रेंस और पॉल हेमन है गाइज वो भी गाइज WWE के पीछे लगे थे कि गाइज रोमन रेंस वर्सेस जेफ हार्डी का मैच करना, कि गाइज जो हमारे खुद रोमन रेंस जो कि खुद ही यूनिवर्सल चैंपियन है गाइज वो भी खुद बहुत ही पुश कर रहे थे कि उनको सुपर शो राउंड के शो के लिए गाइस उनको जेफ हार्डी की अगेंस्ट मैच चाहिए। और ये गाइस रोमन रेंस और पॉल हेमन है गाइस, ये कोई भी चीज डिमांड करते गाइस इनको WWE को हमेशा देना पड़ता है गाइस। मतलब आपको पता है जो WWE के जैसे बड़े स्टार्स है, जैसे कि गाइस ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन गाइस, ये जो स्टार्स है गाइस अगर ये कोई चीज WWE से डिमांड करते गाइस ये चीज इनको मिल जाती है। इसलिए गाइस रोमन रेंस और पॉल हेमन गाइस वो डिमांड कर रहे थे WWE से कि रोमन रेंस को जेफ हार्डी के अगेंस्ट फ्यूड चाहिए WWE के सऊदी अरब के पेपरों में, जो कि हमको फरवरी के 22 के मंथ में दिखने वाला था सुपर शो में, जहां पे WWE मेन इवेंट मैच प्लान कर रही थी बिटवीन जेफ हार्डी एंड रोमन रेंस फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये चीज हमको पता चलता है कि जो जेफ हार्डी गाइस WWE को गाइस उनको लेकर बहुत ही बड़े लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन जो जेफ हार्डी गाइस उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी गाइस। पहले तो गाइस वो बहुत ही बड़े झमेले में फंस गए और फिर उन्होंने WWE को इनकार किया रिहैब के लिए, इसलिए WWE ने गाइस इतना बड़ा एक्शन लिया। अगर से गाइस जेफ हार्डी के साथ ये सब सीन्स नहीं हुए रहते तो सबसे पहले जेफ हार्डी और रोमन रेंस का फ्यूड दिखता, जो कि फैंस के बीच में एक बहुत ही बड़ा ड्रीम फ्यूड है। लेकिन गाइस हम अभी भी होप्स नहीं छोड़ रहे, क्योंकि गाइस ऐसा भी हो सकता है जेफ हार्डी फ्यूचर में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं एक दो साल के बाद। अभी के लिए गाइस जो फैल प्लान्स थे गाइस WWE के, जो दो तीन महीने के बाद उनको रोमन रेंस जगह का मैच दिखला गाइस, वो तो अभी के लिए कैंसिल हो गया, जो कि गाइस बहुत ही बड़ा मैच रहता रोमन रेंस के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए 2022 में। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे।